Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy, where literature comes alive. In today's video, we are diving in the world of 16th century poetry and exploring Sir Philip Sidney's iconic essay, An Apology for Poetry. This influential art defends the art of poetry against criticism and skepticism. Join me as we dive into Sidney's key arguments. Get ready to discover the timeless insights of Sir Philip Sidney and why an apology for poetry. Remains a cornerstone of literary criticism and poetry. Let's dive in. Before the detailed analysis of this work, an apology for poetry, I would like to share some life sketch of Sir Philip Sidney with you. If we date of birth, ki baat karay, to inki date of birth hai November 30, 1554. Date of death here अक्टूबर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्टार्ट हुई व्हेन ही वाज एडमिटेड इन शोजरे स्कूल इन फिफ्टीन सिक्सटी फोर और उस वक्त इनकी उम्र दस साल थी ही गॉट द टाइटल ऑफ के और के का मतलब है वेरी ब्राइट उनके वहाँ एक फ्रेंड भी बनते हैं उसके अलावा ही फर्दर प्रोसीडेड हिज एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था ट्वेल्थ सेंचुरी में ये बनती है अभी अगर आपको वो डेट मालूम है उसको गूगल करें एंड डू लेट मी नो इन द कामेंट्स स्लाइड नंबर थ्री की तरफ अगर हम बढ़ें तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि हम इसका प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको देख लेते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो ये एलिजथन कोर्टियर भी थे स्टेट्समैन थे सोल्जर थे पोइट थे पैटर्न थे डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे और पोइट्स थे उनके और एक पॉलिटिशन भी थे अगर हम बात करें कि इनका लिटरेरी करियर कैसा था तो लिटरेरी करियर में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि विलियम शेक्सपियर से अक्सर इनको जो है वो कंपेयर किया जाता है एक वेल नोन पोइट थे और एलिजथन एज के एक जो बहुत सारे फेमस पोइट्स हैं उनमें से एक पोइट थे 108 लव सोनिट्स इन्होंने लिखी और एक इंट्रीकेट प्रोज लिखा था ठीक है वो जो प्रोज पीस है दैट इज़ फीचरिंग पेस्टोरल रोमांस और उसके अलावा पैशनेट डिफेंस ऑफ जॉनरा ऑफ पोइट्री भी इन्होंने किया ठीक है और कुछ और वर्क्स भी लिखे ये जॉनरा ऑफ पोइट्री जिसका डिफेंस किया है आज उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स को देख लें हम तो उनके लिटरेरी वर्क्स में सबसे पहले तो एक सोनेट का सिकमस शामिल है उसके बाद एस्ट्रोफल एंड स्टेला शामिल है अट्रीटाइस उसके बाद इसमें हमारे पास डिफेंस ऑफ पोइजी और एनापोलॉजी फॉर पोइट्री और पोस्टोरल रोमांस वग़ैरह शामिल हैं उसके अलावा और ठीक है ये भी इनका एक फेमस वर्क है नेक्स्ट हमारे पास जो तो चीज़ आती है दैट इज़ के हमें एनापोलॉजी फॉर पोइट्री को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए और ये जो की पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये बी एस इंग्लिश के एग्ज़ाम में इन द फॉर्म ऑफ एम सी क्यूज पूछे जाते हैं एम ए इंग्लिश के एग्ज़ाम में इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं तो आपने इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है और ये स्लाइड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनके आप शॉट्स ले सकते हैं स्क्रीन शॉट लेकर आपके पास जो है वो एक प्रॉपर नोट्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे जी तो ये जो बुक है ये फ़िफ्टीन एटी में लिखी गई ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पब्लिश हुई थी फिफ्टीन में फ़िफ्टीन फाइव में ठीक है सर फ़िलिप सिडनी की डेथ के बाद ये पब्लिश होती है इसके ऑथर जो है वो सर फ़िलिप सिडनी है और इसको डिफेंस ऑफ पोइट्री डिफेंस ऑफ पोइजी भी कहा जाता है तो ये नाम आपको सारे के सारे याद होने चाहिए नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ के वट वॉज़ द रीज़न बिहड रंग दिस बुक तो हुआ क्या था कि एक शख्स थे स्टीफन गौसन जिनका नाम था वो एक प्योरेटन थे ठीक है अब वो जब वहाँ इंग्लैंड में आते हैं तो वो क्योंकि ख़ुद एक प्योरेटन थे तो उन्हों उनको वो दायरा प्योरेटन पोइट्री और उस तरह की चीज़ें जो है दायरा पसंद थी तो उन्होंने इंग्लिश पोइट्री इंग्लिश ड्रामा को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपना एक लेटर लिखा था जिसका नाम था स्कूल ऑफ अब्यूज़ और उन्होंने फिफ्टीन सेवेंटी नाइन में जी 1579 में उन्होंने वो लिखा और उन्होंने वो डेडिकेट किया था सर फ़िलिप सिडनी को ठीक है और सर फ़िलिप सिडनी को उसके बाद जो है उन इस बात का जवाब देना पड़ा ठीक है और इस वर्क पर सर फ़िलिप सिडनी के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने यानी स्कूल ऑफ अब्यूज़ पर और भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो आंसर किया है और डिफेंड किया है पोइट्री को लेकिन जिस तरह से डिफ़ेंड किया है सर फ़िलिप सिडनी ने वैसा डिफेंस और किसी ने नहीं किया नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वो कौन से चार्जेस थे जो सर फिलिप सिडनी ने जिनका जिनको रिस्पॉन्ड किया जो कि स्टीफन गोसन ने रेस किए थे तो जो एलिगेशन थे उनमें पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम नेक्स्ट इज पोइट्री इज़ मदर ऑफ़ लाइज उसके अलावा उसको नर्स ऑफ अब्यूज़ भी कहते हैं और प्लेटो के बारे में कहते हैं कि प्लेटो ने बिल्कुल ठीक किया कि उसने पोइट्स को अपनी आइडियल वर्ल्ड जो कि रिपब्लिक थी वहाँ से निकाल दिया नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है इस की डिटेल्ड समरी और डिटेल्ड एनालिसिस से पहले हम क्या करेंगे कि हम ये देख लेते हैं कि इसके जो हैं वो सेवन पार्ट्स हैं इस एसे के ठीक है और इस एसे के जो सेवन पार्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि इसमें जो है एक एग्जोडियम है या आप उसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं हुक उसके अलावा प्रपोजिशन है प्रपोजिशन में यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ पोइट्री और फिर डिवीज़न है इसकी टेक्जोनिंग है फिर हमारे पास जो पोइट्री की हुई है उसको देखते हैं फिर एग्जामिनेशन होती है इन डेप्थ अकाउंट ऑफ ईच काइंड जितनी भी काइंड्स हैं पोइट्री की जिन्होंने बताई पेस्टोरल ट्रेजिक कॉमिक सटायर एक्सेट्रा तो वो भी उनकी काइंड्स के बारे में बात करने के बाद उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो देते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिफ्यूटेशन है और वो रिफ्यूटेशन क्या है कि वो जो फोर चार्जेस लगाए थे स्टीफन गौसन ने उनके जो है वो उन इल्ज़ाम को आंसर किया है सर फिलिप सिडनी ने अपनी इस बुक में नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है प्रोपेशन है और प्रोपेशन में हमारे पास क्या है कि फ्लैशी कंक्लूजन दिया है और फिर नेक्स्ट चीज़ है डिग्रेशन जो कि लास्ट पार्ट है और वो क्या है कि डिग्रेशन जो है वो मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री पर उन्होंने किया है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ कि अभी हम मूव कर रहे हैं इसकी डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड समरी की तरफ बुक का कुछ ना कुछ एनालिसिस जो है वो हम कर चुके हैं कुछ मेजर मेजर और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो हमने ले ली अब हम इसके डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ जो है वो बढ़ते हैं तो ये जो एनालिसिस है इट विल बी इन उर्दू एंड हिंदी तो सोलहवीं सदी के आखिरी हिस्से में शायरी की मुनासब समझ और रक्षण को बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़रूरी इकदाम करने की जरूरत की को शिद्दत से महसूस किया गया और इस ज़रूरत के पेश नज़र शायरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए संदीदा का अमल में लाई गईं शायरी की असल रूह को समझने के लिए बहुत से मसाइल दरपेश थे जिनमें से एक करोने ओला मेडिडीबल एज का शायरी के मतलब दकियानूसी नज़रिया भी था जिसके मुताबिक शायरी के बच्चों के खिलौनों के ज़्यादा कुछ नहीं और बजाय शायरी को एक बामकसद मुफीद आर्ट समझने

जिससे इंग्लिश शायरी को काफी हद तक तकवियत मिली इटली में रस्तों की शायरी पर मुश्तमिल दस्तावीज की दरियाफ़ ने फ्रांस और इटली में शायरी की अहमियत और फितरत और मकसद मकसदियोंजोर औरजोश और कारमद बहस को जन्म दिया इस बहस ने इंग्लिश शौरा को काफी हद तक तनकीदी सरगर्मी की जिद्दत अदा की इसके साथ साथ मजहबी बुनियाद परस्तों प्योरटन ने भी शायरी पर सवाल उठाए शायरी के तनकीद नगारों में गौसन का नाम खास अहमियत का हामिल रहा और शायरी के बेहतरीन दफा का सेहरा सिडनी के सर रहा गौसन ने शरा को मस्करों का नाम दिया गौसन वेल्थ का लुटेरा कहा रजी और अच्छाई का दुश्मन कहा अफलातून का हवाला देते हुए कहा कि अफलातून भी शायरी को गैर मुफीद समझता है शायरी को दकीयानुसी और फितरत के खिलाफ करार दिया जिसकी मिसाल गौसन के मुताबिक औरतों का मर्दों के किरदार का अदा करना है गौसन ने जुलों कत्लों गारत और खून रेजी को अलमिया का नाम दिया और तरब को बेहूदगी और बेवकूफ़ी की जज्बा पर काबू नहीं रख पाते और इस तरह अखलाकी कदरें नजर आती हैं इनके जवाब दिए गए लेकिन जो जवाब सिडनी की तरफ से दिए गए वह ज्यादा मुसंद और काबिल कबूल समझे गए फिफ्टीन तो सेवनटी नाइन में गौसन का पम्फ्लिट शाया हुआ जिसको सिडनी के नाम टू द जेंटलमैन मास्टर फिलिप सिडनी नौ कीप दिस नेम इन योर माइंड ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है तो होता क्या है कि 1579 में गौसन का हुआ जिसको सिडनी के नाम टू द जेंटलमैन मास्टर फिलिप सिडनी के नाम से मौसूम किया गया इस वक्त सिडनी अपने तालीमी सफर से इटली वापस आया था सिडनी को लिस के तबस से मलका एलिजब के दरबार में रसाई हासिल थी स्पेंसर जैसे दूसरे जोक लोगों के साथ दोस्ताना की बुनियाद पर वो कैडिया और स्टेला में शामिल रहा जिससे इसे दरबार में काफी शोहरत मिली और कोटली लिटरेरी स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड का लकब दिया गया अब आपने ये टाइटल भी जो है वो याद रखना है कोटली लिटरेरी स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड 1896 में पॉन्सोम्बे और नामी प्रिंटर्स ने सिडनी की दस्तावेजात जो शायरी के मुतालिक थी को द डिफेंस ऑफ पोइट्री और अपोलोजी फॉर पोइट्री के नाम से शाया किया जिसको आम तौर पर गौसन के इल्ज़ाम का जवाब तस्वूर किया गया जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त भी था सिडनी की इस काविश को बहुत पधी मिली इसके अलावा सिडनी के इनकलाबी और मनतकी दलाइल ने न्यू क्रिटिसिज्म एंटी क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल पोइटिक्स और प्लेटोज रिपब्लिक से भी तकवीत मिली और दूसरों के नस्बत सिडनी यूनानियों की तलीमत और तो तारीख को बेहतर तरीके से समझने में कामयाब रहे जिसकी झलक इसके काम में बखूबी देखी जा सकती है सिडनी के मुताबिक शायरी तमाम अलूम को सीखने में मावन साबित होती है ये शायरी ही है जो आर्मी को दूसरे सीखने पर बतदरीज आमादा करती है न सिर्फ नजरियाती तौर पर बल्कि अमली तौर पर भी सिडनी ने शोरा को फादर ऑफ़ लर्निंग अब ये बात भी आपने याद रखनी है कि उन्होंने उनको फादर ऑफ़ लर्निंग कहा इसलिए सिडनी के मुताबिक इनको खास मकाम मिलना चाहिए इसके अलावा तमाम तारीख दान और फलासफ़र शायरी की शक्ल में आम पर आए जिसकी एक बड़ी मिसाल अफरतून का काम है जो शायराना तर्ज पर मबनी और व खुद भी पैदाइशी शायर समझा जाता है शायरी हर दौर और ख़ते में परवरिश पाती रही जहाँ तक के तारी और तरकश जैसी कौ में जो पत्थरों और बैशियना पन की मिसालें हैं शायरी से मुतासर हुए बगैर न रह सकें दूसरी मिसाल रेड इंडियंस की है जिन्होंने शायरी की बदौलत अरूज हासिल किया चुनानी और रूमी भी शायर को काबिल फ़खर समझते थे और जहाँ जूनानी शायर को पैगम्बर का दर्जा देते थे तो दूसरी तरफ रूमी शायर को खालिद का नाम देते थे ठीक है अब आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि एक जो थे वो हमें क्या कहते थे प्रॉफिट जुनान और जो रूमी थे थे वो क्या कहते थे वो कहते थे क्रिएटर ठीक है इससे साबित होता है कि तमाम फ़नून फितरत किताबें महसूस होते हैं जबकि शायरी फितर क़ानून से बालाता है जो अपनी मनशा से चीज़ों का रूज और जवाल बख्शती है शायरी जहाँ एक तरफ हंसी और दिलकश महबूबा की शक्ल में नज़र आती है तो दूसरी तरफ बेकरार आशिक और कदरदान भी नज़र आती है जिससे शायरी को दायमिया रूज़ मिलता है शायरी को आर्ट ऑफ इमिटेशन भी कहा गया और जो इसे बोलती हुई तस्वीर तो भी ख़याल किया जाता है जिसका मकसद ख़ुशी और तदरीस है सिडनी शायरी को आम पर तीन हिस्सों में तकसीम करता है मजहबी शायरी मालूमी शायरी और हकीकी शायरी यानी कि ट्रू पोइट्री मजहबी शायरी में खालिस्तन खुदा की ज़ात के लिए की जाती है और इसमें किसी किस्म का अख्तलाफ राय नहीं पाया जाता मालूमी शायरी का मकसद तारीख और एस्ट्रानी के और दूसरे अलूम से रास्ता करना है जो हमें माजी और मस्तबिल में झांकने का मौका भी देते हैं तीसरी किस्म की शायरी को मजीद हिस्सों में तकसीम किया जाए मसला लिरिक पेस्टोरल आयाम्बिक सटायर कॉमिक ट्रैजिक पेस्टोरल शायरी में मोहब्बत और प्यार जैसे जज्बों को तकवीत मिलती है और हमदर्दी और हमदली जैसे सिफतों को फ़रोग दिया जाता है इसके साथ साथ जुल्म ज़्याती नाइसाफ़ी और ऐसी दूसरी बुराइयों से दूर रहने का सबक भी देती है तरबिया एक तरफ मुसबत अंदाज से खामियों की निशानदेही और उनको दूर करने का मौसर तरीका है तो दूसरी तरफ तनकीदी तर्ज से सही रास्ते पर चलने का दर्श भी देती है अलमिया इंसानी खूबियों को उजागर करने के साथ साथ जिंदगी के फराज से रोशनास करने का काम भी करता है जहाँ दूसरे अलूम, इल्म में इजाफे का सबब बनते हैं वहीं शायरी ना सिर्फ इल्म में इजाफे का सबब बनती है बल्कि बुराई से अच्छाई की तरफ गामजन करने की वजह भी बनती है बहुत से तनकीद नगार सिडनी के इन ख्याल और नजरियात से सफात नहीं करते जिनके बारे में सिडनी ज... जाहिल और बेरोरा और गुमराह जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कुछ तनकीद नगार शायरी को सिर्फ लफ्ज़ों की तरतीब और इंतखाब समझते हैं सिडनी के मुताबिक ये चीज़ें शायरी की खूबसूरती में इजाफे का सबब तो बन सकती हैं मगर शायरी इन किताबें नहीं शायरी को वक्त का ज़्याँ भी कहा गया है जिसको दूर करने के लिए सिडनी कहता है कि शायरी अच्छाई की तरफ ले जाने वाले रहनुमा और मसीहा का, का काम करती है और यह वक्त का ज्यादा नहीं दूसरी तरफ शायरी को सरासर मुबालगा भी कहा गया क्योंकि शायरी में और जज्बात और ख्वाहिशात और ख्वाबों की बातें की जाती हैं जिनके हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं शायरी इंसान को ख्वाबों में रहने वाले का दर्श देती है जिसकी वजह से वो हकीकी जिंदगी में एक नाकाम इंसान साबित होता है हकीकत में इंसान जिन मसाइल और परेशानियों का सामना करता है शायरी इन पर पर्दा डालने की कोशिश करती है सिडनी इन तमाम इजाम को दूर करते हुए कहता है कि शायरी इन खामियों की जम्मेदार नहीं जिस तरह मोहब्बत एक मोतबर और मुकदस जज्बा है अगर मोहब्बत गलत तरीके से की जाए या गलत चीज़ को मोहब्बत से मौसूम किया जाए तो इसमें मोहब्बत का कोई कसूर नहीं बल्कि इसे गलत तरीके कर, से करने वाले का कसूर होता है इसी तरह शायरी को जो गलत नहीं बल्कि इसे गलत समझने वाले और करने वाले गलत हैं तारीफ गवाह है कि शायरी ने हमेशा बहुत ज़्यादा हिम्मत तो इस्तलाल तक्ला, इस को जलाब रखी है जंगो जदल के मौके पर शायरी को बतौरे हथियार इस्तेमाल किया जाता रहा है जिससे फ़ौज को नया जज्बा मिला और कुत इरादी में इजाफ़ा हुआ ये इल्ज़ाम के अफलातून ने शायरी को अकल का खलल करार दिया बिल्कुल ग़लत है क्योंकि अफलातून शायरी के ख़िलाफ़ नहीं था इसके गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ था और वह खुद शुरा को बहुत सराहता था मजीद ये कि वह खुद पेदायशी शायर था और शायरी को आसमानी तोहफा समझता था सोलहवीं सदी में शायरी के जवाल का सबब इस वक्त के लोगों का शायरी के असल रूस से महरूमी और इनका काहलपन था इसके अलावा वो लोग इन तमाम खूबियों से महरूम थे जो शायरी के लिए जरूरी होती हैं सिडनी अलमिया के जवाल का सबब थ्री यूनिटीज़ के इंतजार को करार देता है जिसकी वजह से इस वक्त के ड्रामों में बेशुमार गलतियाँ मौजूद थीं अलिया के हवाले से सिडनी यास्तों के ख्याल का हामी था सडनी के मुताबिकलमिया का बुनियादी मकसद बुराई और म को दूर करना है सिडनी ने शायरी पर लगे हुए तमाम इल्ज़ाम को दूर करते हुए इसके अफादियत और ज़रूरत को फरो अता करने की बेहतरीन कोशिश की सडनी ने शायरी को डिवाइन म्यूज़िक का नाम दिया और वह इसकी अजमत और खबसूरती पर मुकमल यकीन और ईमान रखता है

बयान करने की सलाह रखती है। सिडनी ने शायरी को न सिर्फ ना पर, भी समझने, समझाने की कोशिश की और काफी नगारों में अलग पहचाना ताकि सिडनी की कागजों से शायरी को समझने में मदद मिली और अदबी कदरों को भी इसकी मदद से बेहतर तौर पर समझा गया जिसमे खुश इसलूबी मुतन अंदाज सादगी और दलाई के साथ सिडनी ने शायरी पर लगे इल्जाम का दिफा किया और काबिले सत्या रहे इसने ना सिर्फ शायरी के मुताल हलरफहमियों को दूर किया बल्कि इसकी अफादियात दिलकशी को जिस खूबसूरती और अंदाज से बयान किया है वो शायरी को मजीद बुलंदियों और अरूज पर पहुंचा देती है और सिडनी इस काविज को किसी भी दौर में भुलाया झुटलाया नहीं जा सकता सो इट वॉज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस वर्क एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री आई होप इट्स क्लियर नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इससे इंपॉर्टेंट uh, इसके जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड उनको कवर कर रही होंगी स्ट्रेट टू द चैनल लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल